अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल लर्न अबाउट रैम वर्सेस रोम। रैम और रोम क्या है, इसको आज हम देखेंगे किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये बेसिकली हमारे पास दो मेमोरीज हैं, मेमोरी की एक टाइप है, प्राइमरी मेमोरी की ये दो टाइप्स हैं, रैम और रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम में हम जस्ट रीड कर सकते हैं, डाटा को राइट नहीं कर सकते। एक बार लिखने के बाद दोबारा हम उसको एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। और रैम में हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम टेम्परेरी स्टोरेज, रोम परमानेंट स्टोरेज। रैम में हम टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं डाटा को, और रोम में हम हमारा जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। रोम में जो भी हम डाटा स्टोर कर देते हैं उसको इरेज करना या एडिट करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। रैम में जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी होता है, कुछ देर के लिए स्टोर होता है। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी और रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सिस्टम पे बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम अचानक से बंद हो जाता है या कोई लाइट वगैरह चली जाती है, तो आपके रैम में जो भी डाटा स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा, बिकॉज रैम आपका डाटा टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है, कुछ देर के लिए स्टोर करती है। और रोम में जो भी आपका डाटा होगा वो इरेज नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो भी आप डाटा स्टोर करेंगे वो परमानेंटली स्टोर होगा। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट, रैम इज़ फास्टर और रोम इज़ स्लोअर। रैम जो है वो फास्ट काम करती है और रोम जो है रैम के अकॉर्डिंग स्लो है। रैम रीड राइट मेमोरी। रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जबकि रोम में हम रीड नहीं और राइट नहीं कर सकते, जस्ट रीड कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, इसके नेम से भी आपको पता चल रहा है कि इसमें हम जस्ट रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रैम जो है वो कॉस्टली है और रोम जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, चीपर है रैम से, ठीक है, रोम एक्सपेंसिव नहीं है। रैम में हम डाटा स्टोर करवाते हैं MB की फॉर्म में, और रोम में हम डाटा स्टोर करवाते हैं GB की फॉर्म में, ठीक है। तो ये डिफरेंस था रैम और रोम में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली कमेंट बिलो, आई विल बी आंसर इन द कमेंट लिस्ट।